हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे डीएससीपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो नेटवर्क पे। ठीक है, जैसे कि कोई प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। ओके, तो पूरी की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल्स होगी, कोई थ्योरी नहीं होगी, पूरी चीजें मैं करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर भी करना। सब्सक्राइब तो कर ही दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी प्रॉब्लम्स तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ फ्री है यार, फॉलो करो। चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पे, नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, इतना तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, कोई भी बात नहीं। चलो आज देखो हम लोग करेंगे क्या, एक राउटर्स लेंगे, स्विच लेंगे और पांच छह सिस्टम्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे और उसे हम लोग उस पर हम लोग डीएससीपी से आईपी कन्फिगर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर ले लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा एक राउटर हो गया, उसका एक स्विच लेते हैं। लेट्स से ये वाली स्विच हम लोग ले लेते हैं, 2950 का हम लोग एक स्विच ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं। एक सिस्टम, दो, तीन, चार, पांच, पांच सिस्टम्स हमने ले लिया है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा वायर लेंगे, यहाँ पे ये अलग है और ये एक अलग डिवाइसेज है, दोनों अलग डिवाइसेज है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेट थ्रू। ओके, स्ट्रेट थ्रू को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसे कनेक्ट। इसे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, इसे कनेक्ट करते हैं पूरे के पूरे हम लोग अपने कंप्यूटर से। तो इसे कनेक्ट करते हैं और नीचे आते हैं। लेट सी, इसे तब तक हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। एंड तो ये हो गई है कनेक्ट। अब हमें क्या करना है, अभी हम लोग को अगर इस कंप्यूटर पे आते हैं और देखते हैं क्या इस पे आईपी असाइन है, बिल्कुल भी आईपी असाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग इसमें स्टैटिक नहीं, डीएससीपी से हम लोग आईपी लेंगे। ओके, तो डीएससीपी से कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग राउटर्स पे आते हैं। राउटर्स पे आने के बाद सीएलआई ओपन करते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर करते हैं नो इनेबल और यहाँ पर करते हैं कॉन्फिगर टर्मिनल, कॉन्फिगर टर्मिनल, और लेट्स से स्पेलिंग गलत हो गई, कॉन्फिगर टर्मिनल। उसके बाद हम लोग करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/0। ये आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान रखना है, जो फास्ट इथरनेट का पोर्ट है वो यहाँ पे सेम डालना है जिससे आपने कनेक्ट किया है। तो मैंने 0/0 से कनेक्ट किया था, मैं यहाँ पे 0/0 डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। और यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ये जरूरी नहीं कि आप यही डालो, कुछ और भी आप डाल सकते हो। और इसकी सबनेट, तो सबनेट क्या होगी, 255.255.255.0 और एंटर प्रेस करेंगे। और हम लोग करेंगे यहाँ पे नो शट डाउन। ओके, नो शट डाउन, एग्जिट करेंगे इसको, फिर से एक बार एग्जिट कर लेते हैं, फिर से हम लोग सॉरी एग्जिट कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे राइट। ओके, इतना हमारा हो गया है, लेकिन अब हमारा मेन काम है। मेन काम क्या है, हम लोग यहाँ पे डीएससीपी कन्फिगर करेंगे। तो डीएससीपी कैसे कन्फिगर करेंगे, उसके भी हम लोग कमांड्स अभी जस्ट करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट कमांड होगा वो होगा आईपी डीएससीपी, सॉरी आईपी नहीं, पहले आपको यहाँ पे कॉन्फिगर टर्मिनल करना होगा, कॉन्फ टी, ये एक शॉर्टकट है। कॉन्फ टी से आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिगर टर्मिनल एक बार में आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट होता है। खैर, मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स तो बिल्कुल नहीं बता रहा, डीएससीपी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आईपी डीएससीपी पूल, और आपको यहाँ पे एक नाम दे देना है। लेट से मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ राउटर, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आईपी डीएससीपी पूल, उसके बाद आपको आपको आपका जो आईपी आपने डाला है उस वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे 192.168.1.1, और यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ये जस्ट डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, आपका क्या आईपीज है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क डालना है, नेटवर्क, उसके बाद 192.168.1.0.1.0। इसके बाद आपको उसकी सबनेट मास्क डालनी है। तो क्या होगा, ये क्लासिक की आईपी है तो इसकी हो जाएगी 255.255.0। ओके, और आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगना है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हाइफन राउटर। अब डिफॉल्ट राउटर क्या होगा, जो आपने राउटर पे आईपी एड्रेस डाला है वो आपकी डिफॉल्ट आईपी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 192 जो आपने राउटर पे डाला था एग्जैक्ट आपको वही डालना है, सेम 1.1, और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको डालना है डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस हाइफन सर्वर 8.8.8 मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो आपको प्रेफरेबल लगे, और एंटर प्रेस करना है। एग्जिट कर देंगे, फिर से एग्जिट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे राइट। नाउ हमारा पूरा काम हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर्स पे और डीएससीपी से आईपी लेते हैं। यहाँ पे आते हैं सिस्टम्स पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएससीपी पे क्लिक करना है
और देखते हैं हमें डीएससीपी ओके यहाँ पे देख सकते हो आप, और डीएससीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, हमें एक आईपी मिल गई है 1.2। 1.1 क्यों नहीं मिली है ये कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने वीडियोस में तो कर ही दिया है, आप लोग बताओ 1.1 क्यों नहीं असाइन हुई है। तो आपको अब अगले सिस्टम से हम लोग चल के देख लेते हैं। तो अगले सिस्टम से यहाँ पे डीएससीपी, यहाँ पे भी आपको आईपी असाइन हो जाएगी, डीएससीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी भी तो आप लोग अपने कमांड्स को केयरफुली चेक करोगे कि आपने क्या कमांड्स डाला है, सही कमांड्स है या नहीं है, नहीं तो उसी से प्रॉब्लम्स होती है और हम लोग बाद में परेशान होते हैं। यहाँ पे भी डीएससीपी और डीएससीपी से आईपी असाइन हो जाएगी, लेट्स सी। यहाँ पे भी हम लोग डीएससीपी से आईपी ले लेते हैं, पैकेट्स भी ट्रांसफर करके देख लेंगे। तो हमारी सारी की सारी डीएससीपी असाइन हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, पैकेट्स को असाइन करते हैं, पैकेट्स भेजते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैकेट्स हम लोग यहाँ भेजते हैं। तो देखो पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार पिंग करके भी देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं पिंग 192.168.1.3 को हम लोग पिंग करके देखते हैं। ऑब्वियसली पिंग हो रहा है, हमें रिप्लाई मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, राउटर्स को भी एक बार पिंग कर लेते हैं। सॉरी, पिंग 192.168.1.1, तो ये भी हमारा पिंग हो रहा है। इट मीन दैट हमारा सक्सेसफुली डीएससीपी असाइन हो चुका है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, 1.1 हम लोगों ने क्यों नहीं डाला ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।